गाइस अपनी गाड़ी देखो कितना ड्रिफ्ट मार रही है। ओ माय गॉड, ऑरेंज कलर की बैलून की हवा टाइट हो गई। मेरा नाम है अली और आज की वीडियो के अंदर मैं ला चुका हूँ मुक्का कार के साथ में। मैं वाटरप्रूफ का टेस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। क्या वाटरप्रूफ टेस्ट में ये कार सर्वाइव हुएंगी या नहीं हुएंगी देख लेंगे। ये तो असल में फोर व्हील ड्राइव है तो इजीली ये कैच कर लेगी वाटर को। तो चलिए दोस्तों डार्ट लगाने का सिस्टम शुरू करते हैं भाई। अपनी मुक्का स्टंट कार जो की 3000 रुपए की है तो इसके साथ मेरे को एक डार्ट सिस्टम भी बनाना पड़ा बैलून को फोड़ने के वास्ते। ये देखो यार मैकेनिज्म कुछ काफी ज्यादा सिंपल है। ओके मैं इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ दोस्तों। ये 16:1:16 स्केल का अराउंड मॉडल है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं फटाफट इस वीडियो को लाइक का बटन जरूर से हिट कर देना। यहाँ से मैं खोलूंगा। ओके यार इस गाड़ी अपन को निकल जाती है। ये देखो यार गाड़ी आराम से निकल चुकी है। इसके साथ अपन को 4 MHz का एक रेडियो कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। और भाई अपनी मुक्का कार देखो काफ़ी ज़्यादा लोडेड है। यहाँ पर देखना फुल भारी है और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। ओके मैं डार्ट सिस्टम इधर लगाने वाला हूँ इसके अंदर। देखेंगे डार्ट लगाने के बाद ये कैसी दिखती है। इसके अंदर मेरे को USB केबल मिल जाती है। ये सबको साइड में रखेंगे और ये डब्बे को भी साइड में रखेंगे। ये असल में ग्रीन कलर की लाइट ग्रीन कलर की कार है। इसके साथ अपन को रेड कलर की भी मिल जाती है भाई और वेराइटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ही मिलती है। लेकिन मार्केट में मेरे को ये वाली अच्छी दिखी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फंकी कलर है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कलर है। तो ओके आइए भाई ये वाला डार्ट लगाएंगे अपन। ये वाला डार्ट लगाने से क्या होता बोलो तो असल में डार्ट लगाने से यहाँ पर अपन डार्ट लगाते ना तो आने वाला बैलून क्या आएगी वो जल्दी फुट जाता है, नहीं तो बैलून नहीं फुटता फिर। ओके तो डार्ट लगाने के वास्ते मेरे पास ये एक रहा और एक मेरे पास कुछ ग्लू है उससे मैं चिपकाऊंगा। डार्ट लगाने से पहले ना हमें ग्लू गन का पेस्ट इधर लगाना पड़ेगा। असल में फेविक्विक लगाना चाह रहा था लेकिन उससे क्या है वो तो अंदर जाके मैकेनिज्म भी वो ख़राब कर सकता है। दोस्तों अगर आप एक छोटे बच्चे हो तो पेरेंट्स का साथ लो ये सब करने के लिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की काम होता है। ओके मैंने ग्लू ऑलमोस्ट लगा दिया इधर। दोस्तों मेरे पास कुछ प्रोफेशनल मैकेनिज्म सिस्टम नहीं है इस कारण मैं सॉल्डरिंग मशीन का ही यूज़ करता हूँ हमेशा से ही। ये सॉल्डरिंग मशीन मैं कम से कम 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। 5 मंथ से मैं सॉल्डरिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया दोस्तों। ओके भाई ऑलमोस्ट देखो गाइस ये गर्म हो चुका है तो अपन को सिंपली ये वाला डार्ट लेना है और ये डार्ट को बस ऐसा लगा देना है। ओके गाइस अपना डार्ट ऑलमोस्ट लग चुका है जो कि डार्ट बोले तो अपन फुगारा फोड़ने के लिए सुई लगाए ना वो वाला डार्ट इधर लग चुका है। ओके ठीक है मैं इसको अभी ये फैलाऊँगा क्योंकि ज़रा स्ट्रांग बैठेगा और स्ट्रांग बैठने के बाद अपन इससे बैलून्स भी फोड़ सकते काफ़ी इजीली फोड़ सकते भाई। मेरा वीडियो ब्लर हो रहा था तो मैंने वापस कट मार दिया है तो यहाँ पर देखना ये प्रॉपरली लग चुका है और ये निकलेगा भी नहीं क्योंकि ये अभी स्ट्रांग चिपक गया है प्लास्टिक के साथ में। ये देखना भाई अपना ऑलमोस्ट ये चिपक चुका है। ज़रा फैन का स्पीड बढ़ा देंगे ना तो ये 2-3 घंटों के अंदर सूख जाता है घट। तो अपना वाटर बैलून बता दो मैं अपने पास कितने बैलून है अब। तो भाई पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने सारे बैलून्स फोड़ दिया है। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कलर्स बताऊंगा मेरे पास बैलूनों का कितना यानी कि स्टॉक है। जैसा कि मेरे पास ये वाला देखो है यानी कि स्काई ब्लू कलर मेरे पास एक है और एक मेरे पास येलो कलर के भी बैलून्स है जो कि करीबन मेरे पास 3 बैलून्स है शायद आई थिंक। हाँ गाइस मेरे पास अभी 3 बैलूना पड़े हुए है। ये डार्क ऑरेंज है यहाँ पर देखना ये 2 मेरे को डार्क या 3 ऑरेंज मिले मेरे को जो कि डार्क कलर के है और ये मेरे को नहीं मालूम ये कौन सा यूनिक कलर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तो मेरे को मालूम स्काई ब्लू कलर है। ये देखो गाइस ये स्काई ब्लू कलर है। तो ठीक है गाइस ये सभी बैलून्स के अंदर ना वाटर रिफिल करेंगे और अलग अलग पोजीशन पे फोड़ेंगे बैलून्स को। पहले क्या था बोले तो सुप्रा के साथ जो कि इंस्पायर्ड थी ना उसके साथ अपन लाइन से बैलून्स रख दिए थे तो मज़ा नहीं आता। थोड़ा टेढ़ा बिंगा ट्रैक बनाएंगे जिससे कि ये आराम से फोड़ सके पानी दोस्तों। तो ऑलमोस्ट भाई ये देखो इसका डार्ट भी अभी सूख चुका है तो अपन रेडी है बैलून फोड़ने के लिए। ये देखो गाइस ये ऑलमोस्ट गाइस गलती से एक बैलून फूट चुका है। ओके कोई बात नहीं अपने पास तो अभी कितने बैलून्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैलून से दोस्तों 6 या 7 बैलून्स अपने पास पड़े हुए हैं जो कि फोड़ने के लिए है। तो चलिए दोस्तों ऊपर जाके इसका पर पानी भरेंगे फिर उसके बाद फोड़ेंगे इसको। ये आप देख सकते हो मैंने इधर ये मुक्का कार के अंदर मैंने ऑलमोस्ट इधर डार्ट लगा दिया है। ये डार्ट क्या करेगा बोले तो एक्चुअल में अपने बैलून्स को फोड़ के डालेगा क्योंकि गर्मियों का सीजन भी चल रहा है और पानी के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी करना अपना शौक है दोस्तों। ढाबे पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना दोस्तों मैं आँखा भी नहीं खोल सकता हूँ। लिटरली मैं बोलूँ तो समर सीजन आ चुका है तो अपन को वाटरप्रूफ टेस्ट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। अली मुक्का कार के अंदर मैंने ऑलरेडी बैटरी डाल दिया है बस मैं यहाँ से ऑन करूंगा। ओके यहाँ से ऑन हो चुकी है आप देखेंगे। ओके ओ ओ ओ भाई इसके अंदर डार्ट है यार ये देखो
ओ भाई ये देखो गाइस इसकी स्पीड देखो भाई। ओहो भाई ये देखो आप देख सकते हो दोस्तों ये तो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है बैलून्स को फोड़ने के वास्ते भाई। तो गाइस यहाँ पर देखो कितने ज्यादा बैलून्स आ चुके हैं, इधर भी आए उधर भी है, यानी कि दो बकेट में बैलून्स है। अराउंड अपनी कार आज खराब हो जाएंगी क्योंकि ये वाटर काफी ज्यादा फ्लफी है और बहुत ज्यादा मोटा भी रहता है, पानी कार को खराब भी कर सकता है। तो ये वाटर प्रूफ भी है भाई, एक तरफ से देखे तो इसके अंदर पानी भी नहीं जाता है। ओके दोस्तों मैंने यहाँ पे एक सिंपल रैंप बनाया है, इसके ऊपर से जंप करेंगे। ये देखो गाइस मैं अभी जंप कराऊंगा। ओ भाई ये तो आराम से जंप कर रही है दोस्तों, ये देखो। ओ भाई ओ हो मैं आ चुका हूँ ढाबे पे और चलाने वाला हूँ इसको, कैसा चलती देखेंगे। ये देखो गाइस ये कुछ ऐसा चल सकती है, ये देखो गाइस ये ड्रिफ्टिंग बहुत ही आराम से मार सकती है, यानी कि इसकी खूबी काफी ज्यादा दिखी मेरे को। यो हो ये तो गिर के भी सही हो गई भाई। तो ऑलराइट दोस्तों मैंने सेटअप कर दिया, ये रही अपनी मुक्का कार और यहाँ पर देखो लेवल्स कितने ज्यादा है। फिर इसके बाद आने के बाद इसका बाप आएगा जिसके अंदर काफी वाटर बैलून है, इसके अंदर काफी रिफिल मैं कर दिया है। उसके बाद ये जो मुक्का कार आएंगी ना यहाँ से चढ़ने के बाद फिर इसको फोड़ेगी, नो चांस ये बचेगी नहीं मालूम। लेकिन लेवल वन के अंदर देखो दोस्तों लेवल वन यहाँ से शुरू होता है, ये रही अपनी मुक्का कार जो कि यहाँ से आने के बाद पहले लेवल को फोड़ेंगी जो कि येलो कलर का बैलून है। फिर दूसरा आएगा स्काई बैलून को फोड़ेगी, अब फिर तीसरा आएगा येलो कलर का बैलून, सेम प्रोसेस वही रहेगा स्काई ब्लू कलर रहेगा, फिर आएगा भाई अपना डार्क ऑरेंज कलर। फिर यहाँ से मुक्का कार आने के बाद इधर कुछ भी चांस नहीं है ये बाहर आने का। फिर यहाँ से ये टर्न मार के कुछ ऐसा जाना है, फिर इसके बड़े बाप को फोड़ना है। ये वाला बैलून पूरी अपनी मुक्का कार को भिगा देगा, यानी कि खराब करने की पूरी कोशिश करेगा भाई। तो ये देखो इसके अंदर काफ़ी मैंने रिफिल कर दिया है पानी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके अंदर रिफिल है, यानी कि करीबन आधा लीटर इसके अंदर पानी है। इन लोगों के अंदर पूरा पौ लीटर पानी है दोस्तों। तो देखेंगे ये वाली मुक्का कार बचेगी नहीं बचेगी, पहले बैलून को मैं फोड़ के देखूंगा ये कैसा फोड़ेगी फर्स्ट लेवल के अंदर। ये दूर से कितना अच्छा दिख रहा है देखो, आप ट्राई करेंगे पहले लेवल के अंदर जो कि मुक्का कार फोड़ के लगाएंगे कहते हैं, ठीक है फोड़ो। अरे तो देखो गाइस गलती से अपनी मुक्का कार सारे बैलून्स को फोड़ के डाल दिए, लेकिन मेरे पास अभी दो बैलून्स है तो उसको दो चांस मिलेगा। यहाँ पर देखो पहले बैलून को ये आराम से फोड़ेगी, यहाँ पर देखना ये पीछे चले गई गाइस, मैं इसको स्लो स्लो करूंगा। ये पहले बैलून को फोड़ के डाल दी, अभी दूसरा बैलून देखेंगे, इसको भी आराम से फोड़ के डाल दी भाई, मक्खन के जैसा फोड़ के डाल रही है। तो यहाँ पर देखना अभी आएगा इसका बिग डैडी, यहाँ पर देखना यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लाइम भी है, क्लाइम को पार करके बिग डैडी को फोड़ना है। इसका पूरा सर्किट बोर्ड खराब भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है गाइस इधर तक आने दो अपनी कार को। ओके बनाए जैसे कि प्लाई बोर्ड का उसके ऊपर से चढ़ा के देखेंगे अपनी स्ट्रेंथ मुक्का कार को। ओके ओहो गाइस स्ट्रेंथ मुक्का कार यहाँ से चढ़ जाएंगी, आई डोंट नो ये चढ़ेगी बल्कि। ओके यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, ओके चढ़ गया यार गाइस, ये तो इधर से नहीं चढ़ रही है। तो ठीक है गाइस इसको टेढ़ी बिंगी से लेकेंगे अपन गाइस, ये बिग डैडी को पोड़ी नहीं पा रही है, लगता है ये बिग डैडी से डर गई होंगी, लेकिन ऐसा मत समझो गाइस ये मुक्का कार है आपकी फोड़ के डाल देगी, ठीक है मैं इसको सेट करूंगा। बिग डैडी को हाथ लगा चुकी है, यहाँ पर देखना अभी बिग डैडी ऑलमोस्ट फोड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर देखो गाइस देखो ये यहाँ पे आके अटक चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके जो पहिए है वो बहुत ज्यादा फिसल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इसके व्हील्स देखो भाई कितने ज्यादा फिसल रहे हैं, इसके पास आने भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है ये वाला जो अपन मिशन बनाए थे इसको बंद कर देंगे, अब डायरेक्ट फोड़ देंगे बैलून को। यहाँ पर देखना मैंने मिशन बंद कर दिया है वो वाला। ओके अभी स्पीड इसको फोड़ेंगे, बिग डैडी की हालत टाइट हो रही है क्योंकि अभी ये सामने आ चुकी है अपनी मुक्का कार। ओके ओहो गाइस इसको भी ये फोड़ के डाल दी बहुत ही इजीली, और यहाँ पर देखो अपनी ये वाली गाड़ी कितनी ज्यादा स्मूथ चल रही है अभी तक। ओके गाइस मजा आ गया भाई आज की वीडियो के अंदर। तो गाइस अपनी मुक्का कार के साथ में सेकंड चांस भी देंगे जो ऑफ रोड में लेकर जाके इसके साथ ऑफ रोडिंग भी करेंगे, बहुत ज्यादा तहलका करेंगे अपनी ये मुक्का कार के साथ में। पहले डार्ट में निकालने दो यार, डार्ट बहुत जल्दी चुप जाता फिर हाथों में। तो गाइस धूप देखो कितनी आ रही है, ये देखो भाई अपने चंदा मामा कहाँ है यार, वो देखो गाइस कितनी ज्यादा मतलब सनलाइट अपने ही फेस पे मार रही है भाई, लगता है मेरा आमलेट निकलने वाला है, मैं भागूंगा भाई यहाँ से फटाफट। भाई दोस्तों